सुपरस्टार पवन सिंह का मच अवेटेड गाना लाल घाघरा रिलीज हो गया है। महज 20 मिनट में इस गाने ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, नया रिकॉर्ड हम इसलिए कहेंगे क्योंकि 20 मिनट में ही ये भोजपुरी का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला गाना बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के इस गाने की, तो क्या गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसे आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार देखना चाहेंगे। साथ ही यहाँ पर हम हमेशा कहते थे कि पावर स्टार पवन सिंह के जितने भी बहुत बड़े सॉन्ग आते हैं, लिरिक्स तुरंत कैची नहीं होते, लेकिन इस गाने में आप कह सकते हैं कि लिरिक्स आप तुरंत कैच करेंगे और आपके जबान पर वो गाना आ जाएगा। जी हाँ, जो गाने जबान पर आ जाते हैं तो समझ जाइए कि गाने को हिट होने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। विजय चौहान ने बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग लिखा है, वहीं बड़ी खूबसूरती से इसका पिक्चराइजेशन भी किया गया है। जी हाँ, जिस तरह से इसका पिक्चराइजेशन किया गया है, हर तरह से स्टेज को यूज़ किया गया है, हर तरह से छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान दिया गया है, कहाँ पर खटिया यूज़ होनी चाहिए और कहाँ पर नम्रता मल्ला अपने घाघरे को हरकत करेंगी, कहाँ पर वो अपनी टांगों को उठाएंगी, ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। यहाँ पर पवन सिंह ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को नहीं छुपाई है और ये बता देना चाहते हैं कि एज मैटर नहीं करती किसी भी स्टार्स के लिए। करेंगे इनके केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री इन दोनों की बेजोड़ है। और बात करेंगे अगर पवन सिंह के एंट्री की, तो सॉन्ग में पवन सिंह ने जो एंट्री ली है बहुत ही खूबसूरत ली है। इस गाने को और भी बड़े लेवल पे बनाने के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, तो जितने भी पावर स्टार पवन सिंह के फ़ैन हैं, आज का दिन भाई उनका है क्योंकि ये गाना अब आपका है।